হাইলাকান্দি জেলার তিনটি বিধানসভা সমষ্টির জন্য মোট 711টি ভোট কেন্দ্রে এবার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। মধ্যে 10টি আদর্শ ও 6টি মহিলা ভোটকর্মীর দ্বারা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র থাকবে বলে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত উপায়ুক্ত নরেন্দ্র সাহ জানিয়েছেন। হাইলাকান্দি জেলার তিনটি বিধানসভা সমষ্টির নির্বাচনের জন্য আজও কোনো মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। हमारा अभी पोल प्रिपरेशन पूरा वॉर फुटिंग में चल रहा है। वी आर वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आसाम। तो अभी हमारा प्रिपरेशन पूरी तरह से रेडी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम नॉमिनेशन रिसीव कर रहे हैं और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 12th है, तो उसके लिए अभी हम लोग चल रहे हैं। ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन की बात करें तो हमारे पास टोटल इस इलेक्शन में हम टोटल 6 ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन का बनाने का प्लान हमारा है। उसका नाम मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। उसका नाम है हैलाकांडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्वामी विवेकानंद एमवी स्कूल, कटलीचेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्राण कृष्ण हायर सेकेंडरी बालिका विद्यालय एंड अलकापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जानकी चरण हायर सेकेंडरी स्कूल। तीनों पोल बिल्डिंग्स में दो दो पोलिंग स्टेशंस रहेंगे एंड ऑल पोलिंग स्टाफ विल बी वुमेन देयर। उनका ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस इस वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा हमने कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी बनाए हैं। टोटल हमने 10 मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, जिसमें से 5 हैलाकांडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, 3 कटलीचेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंड 2 अलकापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिक्योरिटी के हमने एडिक्वेट प्लानिंग वगैरह कर रखे हैं। हमने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस वगैरह इन कंसल्टेशन विद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आइडेंटिफाई हो रखे हैं सारे, एंड एडिक्वेट फोर्स आने की हमें एश्योरेंस दिया गया है। बट एक्चुअल कितना पोस्ट अराइव होता है इलेक्शन से जस्ट पहले, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए हमें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। न्यूज़ डेस्क NH न्यूज़।